इनक्रेडिबल एमपी की टीम आज आपको लेकर जा रही है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट के पास लगभग 50 फीट ऊंचे पर्वत पर बने प्रसिद्ध गौरी शंकर 64 योगिनी मंदिर में, जो केवल भारत ही नहीं विश्व भर में अपनी विशेषताओं और अपने इतिहास के कारण अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। इस मंदिर से कई राजाओं और कई रानियों का इतिहास जुड़ा है, जिससे जुड़ी सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने कचनार सिटी में भगवान शिव के मंदिर में आपसे कुछ बोला था। आज उसी मंदिर पर हैं जो गौरी शंकर 64 योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है, और ये मंदिर पुरातात्विक विभाग के संरक्षण में है। और जो भी पुरातात्विक विभाग के संरक्षण में जो भी, चाहे वो मंदिर हो, धरोहर या कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं, उनका इतिहास बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला और रहस्यमय होता है। तो चलिए चलते हैं हम ऊपर और आपको पूरी जानकारी देते हैं इस मंदिर की। बात अगर मंदिर की सीढ़ियों की जाए तो मंदिर की सीढ़ियाँ लगभग 108 हैं, और पूरा मंदिर और उसकी सीढ़ियाँ बलुआ और ग्रेनाइट पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर की 108 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद जैसे ही हम मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं तो सामने नज़र आता है मंदिर का गुंबज और एक छोटा प्रवेश द्वार। कुछ सालों पहले तक एक बड़ा प्रवेश द्वार मंदिर के पीछे दूसरी तरफ से भी था, जो अब बंद कर दिया गया है। और अगर हम मंदिर के सिर पर खड़े होकर सामने देखें तो हमें दिखाई देती हैं माँ नर्मदा। माँ नर्मदा का इस मंदिर से बहुत ही गहरा संबंध है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं उसे बताता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे मंदिर के अंदर। पौराणिक कथाओं के अनुसार सैकड़ों वर्ष पहले कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जब भ्रमण करने के लिए निकले तो वह इस स्थान पर आए, और यहाँ पर एक ऋषि जिनका नाम सुवर्ण ऋषि था, वे यहाँ पर तप कर रहे थे। वे भगवान के दर्शन पाकर बहुत खुश हुए और माता पार्वती और महादेव से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब तक मैं नर्मदा जी का पूजन करके वापस ना आ जाऊँ, आप इस जगह से कहीं मत जाइएगा। ऋषि सुवर्ण जब नर्मदा जी का पूजन कर रहे थे तो उनके मन में यह विचार आया कि क्यों ना मैं नर्मदा जी के जल में ही समाधि ले लूं, तो भगवान हमेशा के लिए यहीं रहेंगे और जीव मात्र का कल्याण करेंगे। और उन्होंने ऐसा सोचकर जल समाधि ले ली। भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ पर मूर्ति के रूप में विराजमान हो गए। तब महादेव जी ने नर्मदा जी से यह कहा कि वे दाएं की जगह बाएं ओर से प्रवाहित हों। तब महादेव जी ने नर्मदा जी से कहा कि वे दाएं ओर की जगह बाएं ओर से प्रवाहित हों, जिससे आपके दर्शन पाना और भी ज़्यादा आसान हो जाए और लोगों का कल्याण हो। उस पर माँ नर्मदा ने कहा कि हे प्रभु, ये संगमरमरी विशाल चट्टानों के बीच से मेरा रास्ता कैसे सुगम होगा। तब कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने प्रभाव से संगमरमरी चट्टानों को 3 दिन के लिए मक्खन के समान कोमल बना दिया, और नर्मदा जी ने अपना रास्ता बहुत ही आसानी से बना लिया। नर्मदा जी के बहाव से ही फिर धुआंधार की भी उत्पत्ति हुई, और नर्मदा जी का जो पुराना मार्ग है वह आज भी बैनगंगा
बूढ़ी नर्मदा के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर का ये जो एंट्री गेट है ना, और उसके सामने ये जो चबूतरे नुमा आकृति बनी हुई है, ये चबूतरा जैसे बनाया गया है जिसे चीप से ढांका गया है, और ये एंट्री करने की जो जगह है जिसमें सीढ़ियाँ भी बनी हैं, ये वीरांगना रानी दुर्गावती द्वारा बनाई गई सुरंग है जो यहाँ से उनके महल तक जाती थी। और कहा जाता है कि रानी दुर्गावती जी ये अपने महल से इसी सुरंग के द्वारा इस मंदिर की पूजा करने आया करती थी। मंदिर के मुख्य द्वार से जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, हमें दोनों तरफ दिखाई देती हैं योगिनियाँ। हम ये जानने की कोशिश में अभी भी कार्यरत हैं कि हमारे देश के अन्य जो 64 योगिनियों के मंदिर हैं, उनके समान ही ये 64 योगिनी की मूर्तियां हैं या उनसे अलग हैं। क्या इन योगिनियों को केंद्र में रखकर आज भी होती है तांत्रिक गतिविधियाँ? इनकी हर विशेषता, हर बात कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। चौंसठ योगिनी मंदिर तंत्र मंत्र, भक्ति और क्रूरता के ऐतिहासिक साक्ष्य को सैकड़ों वर्ष बाद भी दर्शाता है। मैं सारी जानकारियाँ आपको दूंगा, पहले हम चलते हैं मंदिर के मुख्य गर्भगृह की तरफ, जहाँ माता पार्वती, महादेव नंदी के ऊपर विराजमान है। मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है उसमें भगवान शिव, माता पार्वती नंदी के ऊपर विराजित हैं, है ना। और ये उनके विवाह समय की प्रतिमा है। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि भगवान शिव की इस प्रतिमा जो यहाँ मंदिर के गर्भगृह में विराजित है, वो एक ही शिला में, एक ही बड़ी शिला में बनाई गई है ना। और जितने भी भगवान, जो भगवान मतलब भगवान शिव की बारात में जब लोग जो शामिल हुए थे, उन सभी की, भगवान शिव के जो गढ़ हैं उन सभी को उस मूर्ति में दर्शाया गया है। और ये भगवान शिव की एकमात्र ऐसी मूर्ति है जो विश्व में अपना नाम बनाए हुए, ऐसी मूर्ति भगवान शिव की आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो ये जो ये घंटा जो टंगा हुआ है, ये अष्ट धातु से बनाया हुआ है, है ना। और कहा जाता है कि जब ये घंटा बजता था तो यहाँ से 5 किलोमीटर तक आवाज़ इसकी गूंजा करती थी, है ना। इस तरफ में आप देखेंगे तो चतुर्भुज भगवान शिव का रूप आपको देखने मिलेगा, जो ये भगवान शिव का रूप है, है ना। और भगवान मंदिर के आसपास और भी कई शिवलिंग हैं, जैसे भगवान शिव का ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है, ये शिवलिंग है। और मंदिर के चारों तरफ में आपको 64 योगिनियों की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। हमारी भेंट यहाँ पर प्रियमपुरी जी से हुई, जो यहाँ पर भगवान शिव, माता पार्वती और यहाँ जितने भी देवी देवताओं हैं उनके सेवा में यहाँ तत्पर हैं, है ना। तो हम इनसे जानते हैं भगवान शिव की यहाँ क्या महिमा रह चुकी है, कैसे भगवान शिव यहाँ विराजित हैं, है ना। तो प्रियमपुरी जी हमें बताइए कुछ मंदिर के बारे में, भगवान शिव के बारे में। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी हैं, नंदी के ऊपर बैठे हुए हैं। शिव विवाह के समय का स्वरूप है ये, शादी के समय का। शादी के बाद नंदी के ऊपर बैठा के विदा करा के लौटे हैं, उस समय का स्वरूप है। बहुत ही दुर्लभ प्रतिमा है ये, हर जगह आपको शिवलिंगन में मिलते हैं, ज्योतिर्लिंगन में मिलते हैं, निराकार रूप में मिलते हैं। यहाँ माता पार्वती जी को नंदी के ऊपर लेके बैठे हुए हैं, जो कि पूरे विश्व में एकमात्र मूर्ति है। भगवान की पूरी बारात मौजूद है यहाँ पे, आप देखेंगे ये पूरे शिवगढ़ है, ये पूरे नवग्रह बने हुए हैं। बाजू में अष्टभुज गणेश हैं, उनके बाजू में लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, ये वामन देव हैं, उनके बाजू में नाग देवता, नाग माता हैं, सिद्धि विनायक हैं।
सूर्य नारायण भगवान हैं, चतुर्भुज गणेश हैं। लगभग 1250 वर्ष पुराना मंदिर है ये। 7वीं-8वीं सदी से इस मंदिर का इतिहास है। सप्तवाहन राजा के द्वारा ये बनवाया गया था। बाहर राउंड में 64 योगनियाँ हैं। माता पार्वती जी की 64 शक्तियाँ, 64 कलाएँ, इन्हीं की अंशतार हैं 64 योगनियाँ जी। यह मंदिर 11वीं शताब्दी से भी पहले का माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण कलचुरी शासक युवराज देव जी ने त्रिभुजी कोण संरचना के आधार पर करवाया था और महारानी गोसल देवी जी ने 1185 से 1195 ईस्वी के बीच में मंदिर के छत का निर्माण करवाया था। महारानी गोसल देवी यहां आकर नित्य पूजन अर्चन किया करती थीं। कहा जाता है कि इस मंदिर का कई बार कई राजाओं ने अपने अपने हिसाब से निर्माण करवाया था। अब हम बात करते हैं मंदिर के बाहर विराजमान 64 योगनियों की। कहा जाता है कि ये योगनियाँ यहाँ ललितासन मुद्रा में विराजमान हैं। इनके साथ कई देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ हैं जो इन्हीं के साथ अपने छोटे छोटे कक्षों में यहाँ विराजित हैं। इन योगनियों की नक्काशी किसी को भी अपनी ओर पल भर में आकर्षित कर लेती है। इसी कारण से दूर दूर से लोग यहाँ आकर इन 64 योगनियों के दर्शन करते हैं। जब हमने इन प्राचीन मूर्तियों के दर्शन किए तो एक बात हमारे सामने आई जो हमें दुविधा में डालने वाली थी। इस मंदिर की सारी मूर्तियाँ खंडित थीं। किसी का सिर नहीं था तो किसी का हाथ, किसी का धड़ नहीं था तो किसी का पैर टूटा था। ऐसा लगता है किसी निर्दयी और क्रूर व्यक्ति ने भारतीय संस्कृति का दमन भरपूर तरीके से किया है। मंदिर के चारों ओर कुल 85 मूर्तियाँ छोटे छोटे कक्ष में स्थापित हैं, जिसमें 64 योगनियों की बाकी अन्य देवी देवताओं की हैं। और मंदिर के अंदर गर्भगृह में 10 मूर्तियाँ और स्थापित हैं। ऐसे कुल 95 मूर्तियाँ इस मंदिर पर स्थापित हैं। बात अगर मूर्तियों के खंडित करने की जाए तो ये सारी मूर्तियाँ मुगल शासक औरंगजेब द्वारा खंडित की गई थीं। 17वीं सदी में औरंगजेब ने मंदिर पर आक्रमण करके मंदिर की सारी मूर्तियों को खंडित कर दिया था। अब जब बात औरंगजेब की हुई है तो हम आपको बता दें कि मंदिर का इतिहास उससे भी कई सैकड़ों वर्ष पुराना है। मंदिर का निर्माण लगभग 7वीं-8वीं सदी का माना जाता है। जब इस बारे में हमने मंदिर के पुजारी जी से बात की तो उन्होंने बताया कि जब औरंगजेब अपनी सेना के साथ इस मंदिर पर आक्रमण करने आया तो उसने मंदिर की बाहर की जितनी भी मूर्तियां थीं उनको तो खंडित कर दिया, पर जब वो मंदिर के अंदर गर्भगृह में घुसने लगा तो भगवान शिव के चरणों से दूध की धारा निकली और लाखों की संख्या में मधुमक्खी, सांप, बिच्छू और बैल, ये सभी मिलकर जो औरंगजेब की सेना थी उन पर आक्रमण किया। और कहा जाता है कि फिर उस समय औरंगजेब उल्टे पांव वापस भाग गया था। 17वीं सदी में इसे औरंगजेब के द्वारा खंडित कर दिया गया था, इस कारण से इसे टूटी हुई। और कहा जाता है कि बाहर की मूर्तियाँ खंडित करके जब उसने अंदर आने का प्रयास किया है तो अंदर से भारी संख्या में मधुमक्खियों का प्रकोप हुआ है। यहाँ से बहुत सी मधुमक्खी निकली और उसकी पूरी सेना पर जब आक्रमण किया है तो यहाँ से भक्ति हो गया था, इस कारण से अंदर की कोई मूर्ति खंडित नहीं कर पाया था। शिव गौरी के मंदिर के बाहर ब्रह्मलिपि में एक शिला लेख लगा है। इसमें 1155 ईस्वी का जिक्र किया गया है। माना जाता है कि कलचुरी वंश के राजा नरसिंह देव के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसके अलावा इस मंदिर में एक प्रतिमा कुषाण काल की भी मानी जाती है, मतलब 7वीं-8वीं सदी से भी पहले की मूर्ति मंदिर में स्थापित है। कहा जाता है कि मंदिर के चारों ओर जो मूर्तियां हैं
वह रात के समय आज भी मंदिर के चारों ओर पहरा देती हैं और भगवान शिव की रक्षा करती हैं। एक बात अभी भी हमारे मन में थी कि क्या आज भी शाम होते ही मंदिर परिसर में तंत्र मंत्र किया जाता है। इसका जवाब भी हमें प्रियमपुरी जी से प्राप्त हुआ। उन्होंने हमें बताया कि कई वर्षों पहले तक यहाँ तंत्र मंत्र जैसी क्रियाएं की जाती थीं, परंतु अब सूर्योदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद मंदिर में किसी का भी आना वर्जित है। जब इस मंदिर में तांत्रिक क्रियाएं की जाती थीं तो इस मंदिर का नाम गोलिका मठ से जाना जाता था। अभी इस मंदिर में ऐसी कोई तांत्रिक क्रियाएं नहीं होती हैं, सिर्फ नवरात्रों में, दोनों नवरात्रों में विशेष पूजा अर्चन किए जाते हैं। पूरे मंदिर को नवरात्र के समय में बहुत अच्छे से सजाया जाता है और माँ और ये 64 योगिनियों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रों के समय में मंदिर को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया जाता है। दूर दूर से लोग पहले से ही आकर माँ की पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। 64 योगिनियों की पूजा नवरात्रों में बहुत ही फलदायी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर एक देवी की भी कृपा किसी पर बन जाए तो उसकी तंत्र सिद्धि सफल हो जाती है। चलिए हम आपको आम भाषा में समझाते हैं। 64 योगिनी साधना में देवी काली के 64 रूपों की आराधना की जाती है। इनको आदि शक्ति माँ काली का अवतार माना जाता है। कहा जाता है इनकी साधना सफल हो जाने से जीवन में सुख सुविधाओं का कोई अभाव नहीं रहता। योगिनी का अर्थ योगाभ्यास करने वाली स्त्री से भी है। योगी का स्त्री पर्याय योगिनी है। इनकी संख्या 64 होने के पीछे कई तथ्य हैं। कहते हैं स्त्री के बिना पुरुष पूरा नहीं है, वहीं पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। एक संपूर्ण पुरुष 32 कलाओं से युक्त होता है, वही एक संपूर्ण स्त्री भी 32 कलाओं से युक्त होती है। ऐसे में दोनों के मिलन से बनते हैं 32 + 32 = 64। तो ये माना जा सकता है 64 योगिनी शिव और शक्ति जो संपूर्ण कलाओं से युक्त हैं उनके मिलन से प्रकट हुई हैं।